हेलो एवरीवन, वेलकम। सो गाइस, आज हम लोग इस लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे कि इंटीग्रेशन का हम लोग फिजिक्स में कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, राइट? सो चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन देखे थे, राइट? मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना सीखे थे, राइट? क्वेश्चन दिए थे, राइट? क्वेश्चन बना, क्या क्या स्टेप था मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए। अगर y इक्वल टू सपोज f ऑफ x मेरा कोई फंक्शन है, हम इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। देखो, मैक्सिमा पे क्या आता था, मैक्सिमा पे पीक बनता था पहाड़ की तरह, और मिनिमा पे क्या गड्ढा बनता था, और एक ऐसा था न्यूट्रल हॉरिजॉन्टल, राइट? यहाँ पे दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट और दिस इज द मिनिमम पॉइंट और दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होता था, अनस्टेबल? ये कौन सा इक्विलिब्रियम होता था, स्टेबल, राइट? और ये न्यूट्रल, राइट? चलो, इतना चीज हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है? स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या था? स्टेप फर्स्ट, फाइंड dy बाई dx एंड इक्वेट टू इट टू जीरो। यहां से सपोज कर लो x का वैल्यू आया, x1 x2 मान लो, तो इस x1 x2 को हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे, राइट? कौन सा पॉइंट बोलते थे इन फिजिक्स, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट और मैथ में इसी को क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है, राइट? क्रिटिकल पॉइंट। सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप हम लोग स्टेप टू अगेन फाइंड हम लोग करते थे, अगेन फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर, राइट? जब ये फाइंड कर लेंगे तो कुछ इक्वेशन आता था, उसके बाद चेक करते थे, चेक चेक इफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो एट एक्स इक्वल टू, मान लो एट एक्स इक्वल टू एक्स वन, एक्स वन रखे तो जीरो से बड़ा आ गया, यानी पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट होता था, एक्स इक्वल टू एक्स वन इज द मिनिमम मिनिमा, यानी ये मेरा स्टेबल इक्विलियम का पॉइंट होता था, राइट? स्टेबल इक्विलियम, राइट? और यहां पर एफ ऑफ एक्स वन कौन सा वैल्यू देता था, मिनिमम वैल्यू, राइट? सिमिलरली इफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू एक्स वन पे मान लो लेस देन जीरो आ गया, निगेटिव आ गया, इसका मतलब एक्स इक्वल टू एक्स वन कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, राइट? और यहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता था, इक्विलिब्रियम, ठीक है? और f ऑफ x1 इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू देता था, राइट? मैक्सिमम। चलो, यहां तक किसी को डाउट? ये चीज हम लोग पूरा कल कवर कर ली थी कि आया कैसे, ठीक है? आज हम लोग मेनली देखेंगे इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं, ठीक है? आगे चले, हो गया सबका? चलो आगे देखते हैं, अब थोड़ा हम लोग इंटीग्रेशन का देखते हैं, ठीक है? इंटीग्रेशन, राइट? थोड़ा सा पहले इंटीग्रेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसके एप्लीकेशन देखते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है? देखो, इंटीग्रेशन का सिंबल ये, राइट? इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब होता है समेशन, जोड़ना, ठीक है? सम, ठीक है? सिंपली क्या बोलते हैं, सम, ठीक? हाँ, सिंपली इंटीग्रेशन का मतलब सम होता है फिजिक्स में, इसका मतलब हम लोग एरिया से भी रिलेट करेंगे, राइट? एरिया से भी, ठीक है? तो देखो कैसे ये सब कब कब रिलेट करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले जनरल बता दो कि अगर पहला इंटीग्रेशन x के पावर n dx, राइट? तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है और कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? अगर y इक्वल टू x के पावर n एक फंक्शन है तो यहीं पर बताओ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? हाँ, ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट, राइट?
और वाई हो जाएगा डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट, ठीक, क्योंकि यह किस पे डिपेंड करेगा, एक्स के वैल्यू पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी देखो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है उसको हम लोग वेरिएबल मानते हैं और उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या होगा, एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर एक्स के पावर एन को डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो ये आता है एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, राइट, ठीक है। देखो अगर हाँ लिमिट कुछ नहीं लगा हो, ठीक है, देखो जैसे कि इंटीग्रेशन वाई डी एक्स लिखा रहा है और लिमिट कुछ नहीं लगा हो तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, राइट, इनडिफिनिट, ठीक है, क्योंकि इसके साथ कुछ एर्बिट्री कांस्टेंट भी आता है सी, जिसका वैल्यू हमको नहीं पता होता, इसलिए इसको इनडिफिनिट बोलते हैं। यही इंटीग्रेशन अगर हो जाता है सेम इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स, लेट कर लो ए से बी, राइट, तो देखो यहाँ पे जो लिमिट लगता है, ठीक, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट, राइट। अब देखो इसमें क्या, हम इसमें जो कांस्टेंट होता है ना, ये कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है, और इसलिए जिस भी इंटीग्रेशन में लिमिट लग गया उस तरह के इंटीग्रेशन को डिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। डिफिनिट इसलिए क्योंकि इसका कुछ ना कुछ डिफिनिट वैल्यू है, ठीक है, और इनडिफिनिट इसलिए इसको इनडिफिनिट बोलते हैं क्योंकि इसका क्या वैल्यू होगा, सी का वैल्यू क्या होगा हम लोग को पता नहीं होता, ये आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, राइट, इसका वैल्यू क्या है ये किसी को पता नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और डिफिनिट मतलब इसका फिक्स्ड वैल्यू आएगा। इसको सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर है, सिंपली पहले इनडिफिनिट वाला जो मेरा है उसको लिख देंगे, राइट, एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, राइट, उसके बाद लिमिट लगाएंगे, लिखेंगे ए से बी, राइट। अब देखो यह जो लिमिट होता है, यह एक्चुअल में यह किसका वैल्यू होता है, एक्स का कि वाई का, जो वेरिएबल होता है उसी का लिमिट लगता है, ठीक है, यानी कि यह जो एक्स है ए है, यह एक्स इक्वल टू ए लिखा हुआ है, सिंपली समझो, ठीक है, लोअर लिमिट एक्स इक्वल टू बी ए, अपर लिमिट एक्स इक्वल टू बी, यानी यह जो लिमिट जो लगता है, लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यह वेरिएबल का ही लगता है, ठीक है, हमेशा याद रखना किसका लगता है, वेरिएबल का। इसका मतलब हाँ, इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो जहां वेरिएबल होगा पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, राइट, यानी पहले अपर लिमिट रख के सॉल्व करेंगे उसके बाद माइनस लोअर लिमिट, राइट। देखो अपर लिमिट रख के सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी के पावर एन प्लस वन, वन अपॉन एन प्लस वन माइनस, उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे तो ए के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब देखो ये एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा, राइट, क्या फिक्स्ड वैल्यू होगा ना, यहाँ इसमें तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, राइट, इसको बोला जाता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, ये चीज हो गया, ये चीज समझ में आया ना कि इनडिफिनिट और डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, राइट। अब देखो अब इसका समझते हैं कि ये ग्राफिकली क्या बताता है, एक्चुअल में ये क्या बता रहा है, ठीक है, चलो आगे चलें। सबको बेसिक जो फॉर्मूला है वो पता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का, राइट, चलो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, राइट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, चलो इसका इंटीग्रेशन निकालो, फाइंड इंटीग्रेशन y dx, अच्छा ठीक है कर देते हैं, ठीक है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, फाइंड y dx, राइट, y dx क्या होगा, यानी इंटीग्रेशन क्या होगा, एक फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन 2x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, चलो फटाफट कर दो, इसमें भी इंटीग्रेशन y dx से निकालना है, क्या होगा, चलो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। देखो पहला फर्स्ट y इंटीग्रेशन y dx, इसका मतलब वेरिएबल क्या है, dx,
तो y की जगह रख दो 2x² + 3x + 2 dx। अब देखो अगर बीच में अलजेब्रिक साइन हो, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जैसे प्लस माइनस, राइट, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग करके इसको लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 2x² dx + (3x dx + 2 dx), राइट। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x है, x वेरिएबल है, राइट, इसका मतलब x के अलावा और जो कुछ भी है वो कांस्टेंट हो जाएगा, जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर चला आता है, तो ये हो गया dx + 3x dx + 2 dx, राइट। अब देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x³/3 + x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 3x² / 2 + dx का, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस c लिखेंगे, c कोई कांस्टेंट हो गया, राइट, तो ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू सेकेंड देखो साइन 2x + 3, राइट, और इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है, तो देखो ये वेरिएबल x है, इसका मतलब, और इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब पहले हमको साइन का करना पड़ेगा उसके बाद अंदर वाला करना पड़ेगा, राइट, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x + 3, उसके बाद जो x के साथ जो लगा हुआ उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, बस x के कोफिशिएंट को डिवाइड कर देते हैं, राइट। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते थे, इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, हो गया, ठीक। चलो तुम लोग जितना भी बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का वो सब रिमेम्बर कर लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग इसका यूज करते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं कि इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, ठीक है, हो गया, आगे चले। देखो इसका आप थोड़ा सा एप्लीकेशन देखो, राइट, एप्लीकेशन हम ग्राफ से ही बनाते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब होता है समेशन, जोड़ना, ठीक, जैसे कि dx का क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन का क्या मतलब था, छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ना, राइट, स्मॉल स्मॉल हम लोग क्या करते थे, एक एलिमेंट लेते थे जिसका लेंथ dx रहता था, इसका मतलब क्या, वो बहुत छोटा लेंथ में तोड़ दिए, राइट, तोड़ दिए, और जैसे ही हम इंटीग्रेशन dx लिखेंगे इसका मतलब छोटा छोटा तोड़ के सबको जोड़ दिए, ठीक है, ठीक। तो dx इंटीग्रेशन का मतलब हुआ समेशन, जोड़ना, ठीक है। अब देखो इसका यूज क्या होता है, जैसे कि मान लो y इक्वल टू f(x) कोई फंक्शन है, ठीक, उसका ग्राफ हमको पता है, ठीक है, मान लो सपोज कर लो हमको ग्राफ पता है, राइट, मान लो कुछ इस तरह का ग्राफ है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, ये y इक्वल टू f(x) का ग्राफ है, ठीक। अब हमको यहां से देखो समझना, x = x1 से लेके x = x2, राइट, यहां तक का हम लोगों को एरिया निकालना है, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन हम ऐसे लिखे, इंटीग्रेशन y dx, इसका क्या मतलब है, देखो पहले y dx का मतलब समझो, y into dx क्या लिखा हुआ है, y into dx, और y क्या होगा, जनरल पॉइंट ऑन y एक्सिस, राइट, जनरल कोई पॉइंट होगा, हुआ कि नहीं, क्योंकि y एक वेरिएबल है, इसका मतलब जनरल पॉइंट होगा, राइट। तो चलो इस कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, मान लो dx, और dx क्या है, देखो dx इज द स्मॉल एलिमेंट स्ट्रिप अलोंग x एक्सिस, है ना, स्मॉल स्ट्रिप अलोंग x एक्सिस, देखा हुआ है कि नहीं, यानी कि इसके अलोंग देखो छोटा सा स्ट्रिप है, यानी कि हम लोग इसके अलोंग एक छोटा सा स्ट्रिप ले लो dx, ऐसा स्ट्रिप ले लें, राइट, बन गया ये dx, समझ में आया ना, ये स्ट्रिप समझ में आया कि नहीं, और y जो है, y इज अ जनरल पॉइंट ऑन y एक्सिस, यानी मान लो कि यहाँ का कोऑर्डिनेट जो है y है, मतलब ये जो पॉइंट है y है, ठीक है, ये y है,
ठीक। अब देखो इस पार्टिकुलर, देखो ये एक छोटा सा क्या रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है तुम लोगों को, एक छोटा सा रेक्टेंगल की तरह फील हो रहा है ये पोर्शन, हाइट वाइज हो गया और विथ डीएक्स हो गया, दिख रहा है कि नहीं? अगर एरिया ऑफ स्ट्रिप निकाले, एरिया ऑफ स्ट्रिप यानी इस स्ट्रिप का एरिया निकाले तो क्या लिखेंगे, लेंथ कितना है वाई, ब्रेथ कितना है डीएक्स, तो क्या लिखेंगे वाई डीएक्स। समझ में आया कि एरिया ऑफ स्ट्रिप, इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया वाई इंटू डी, वाई इंटू डीएक्स, राइट। अब देखो अब हम चाहते हैं कि हम ऐसा बहुत सारा स्ट्रिप ले लें, ठीक। मान लो ऐसा हम ढेर सारा स्ट्रिप लगा दें, ठीक है, एकदम ऐसा स्ट्रिप जोड़ दो ढेर सारा, मतलब एक्स से लेके एक्स वन तक बहुत सारा स्ट्रिप जोड़ दो, तो क्या ये पूरा एरिया कवर कर लेगा? इसका मतलब कि हम जब किसी चीज को जोड़ते हैं तो क्या लगाते हैं, या तो समेशन लगाते हैं या तो इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो हमको जब एरिया निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रिप को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब हम क्या करेंगे, एरिया अगर निकालेंगे, एरिया कंप्लीट एरिया, इसका मतलब इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, कहां से कहां तक स्ट्रिप जोड़ रहे हैं, एक्स वन से लेके एक्स वन से एक्स टू तक। इसका मतलब देखो ये डिफिनिट इंटीग्रल जो है क्या एरिया अंडर द कर्व दे दिया, डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया अंडर कर्व। अब इसका हम लोग खूब यूज करते हैं ये कंसेप्ट को, डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया अंडर कर्व देता है, राइट। ये एक्सिस याद रखना, ये पहला एक्सिस है, ठीक, ये पहला फॉर्मेट है कि ये y एक्सिस है और x एक्सिस है, और यहाँ पर फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, अगर x इक्वल टू एफ आई हो जाएगा तब ये चेंज कर जाएगा। यहाँ पर देखो लिमिट किसका लगा है, वेरिएबल का, यहाँ पर वेरिएबल क्या है x, तो लिमिट भी किसका लगा, x1 और x2, समझ रहा है ना कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का लिमिट लगता है, डिपेंडेंट का नहीं, y तो डिपेंडेंट हो गया, राइट। हर जगह y का वैल्यू चेंज हो जाएगा, y का हर जगह वैल्यू चेंज होगा, तो लिमिट जो लगता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का लगता है, ना कि डिपेंडेंट वेरिएबल का लगता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखना कि जब भी इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात की जाए तो वो क्या देगा, एरिया अंडर कर्व देगा, राइट। और ये भी कौन सा एरिया देता है, इंटीग्रेशन देता है एलजेब्रिक एरिया, राइट। ये एरिया अंडर, ये कौन सा एरिया, यह जो एरिया होता है एलजेब्रिक एरिया। अब इसका मतलब समझो, एलजेब्रिक एरिया का मतलब क्या हुआ, एलजेब्रिक जब भी कहेंगे तो या तो प्लस या तो माइनस, ठीक है। एलजेब्रिक मतलब एरिया विद साइन, ठीक है। तो अगर देखो, अगर इसके ऊपर एक्सिस यानी इसके ऊपर रहा, एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया रहा तो इस एरिया को पॉजिटिव लेंगे, और एक्स एक्सिस से नीचे रहा तो इस एरिया को निगेटिव लेंगे। और अलजेब्रिक लिखा हुआ है मतलब सम, अलजेब्रिक मतलब सबका सम, ठीक है। मान लो सपोज कर लो ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, चलो एक एग्जांपल ही ले लो, सपोज कर लो ग्राफ ऐसा होता है, मेरा ग्राफ ऐसा होता है, साइन का ग्राफ, ठीक। तो अगर हम इस एरिया की बात करें, टोटल एरिया यहां से यहां तक, ठीक है, अलजेब्रिक एरिया की बात करें, ये वाला एरिया पॉजिटिव, ये वाला एरिया निगेटिव, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि दोनों तो इक्वल दिख रहा है, जीरो, ठीक है। इसका हम लोग एलजेब्रिक एरिया देते हैं, इंटीग्रेशन क्या देते हैं, एलजेब्रिक एरिया, ठीक। और इसका हम लोग खूब यूज करते हैं फिजिक्स में, कैलकुलेशन में बहुत जगह आएगा, चलो हम बताते हैं कैसे यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ये सब चीज फंडामेंटल अभी तक तो नहीं पढ़ाया गया होगा, चलो इसको ध्यान से एकदम हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो यूज होगा, हम लोग यूज करेंगे फिजिक्स में मेजर, ठीक है। राइट, आगे चले, अब देखो, अब सेकेंड एक और एक्सिस लेते हैं, राइट, ठीक है। इस बार एक्स इक्वल टू एफ वाई दिया हुआ है, चलो इक्वेशन देख के बताओ कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। हम वाई इक्वल टू एफ एक्स लिखते थे तो यहाँ पर x जो होता था इंडिपेंडेंट, ठीक
राइट वाई इंडिपेंडेंट और एक्स डिपेंडेंट, ठीक, और ये होगा डिपेंडेंट। इसका मतलब यानी कि यहाँ पे जो है y एक फंक्शन है x का, जैसे 2x² + 3x² और यहाँ पर x जो फंक्शन है y का, जैसे 2y + 3, राइट, इस तरह का है ना। तो इस समय इस केस में हम लोग इंटीग्रेशन लिखे थे y dx, मतलब वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वाला। तो यहाँ अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x dy, यानी कि देखो यानी कि स्ट्रिप किसके अलोंग लेना है, dy मतलब यह स्ट्रिप अलोंग x y एक्सिस, स्ट्रिप अलोंग कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, राइट, और लेंथ किसके अलोंग लेना है, x के अलोंग, यानी कि इस जो इस बार जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा कर होगा, मान लो ऐसा ग्राफ है, राइट, यहाँ y इक्वल टू y1 से लेके y इक्वल टू y2, y1 से लेके y2, तो देखो इस बार स्ट्रिप लेंगे अलोंग y एक्सिस के अलोंग, यानी मान लो एकदम पतला सा स्ट्रिप ऐसा ले लिए, समझ रहे हो ना, ये पतला सा स्ट्रिप ले लिए dy, राइट, और ये देखो यहाँ का अगर जनरल कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो x यानी x इज अ जनरल पॉइंट, ये लिखवाया था ना जिस समय y इज अ जनरल पॉइंट, यहाँ पर x क्या है, एक जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट, राइट। तो अब हम ये देखो ये एक क्या बना, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है ना, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, x इंटू dy। तो अगर ऐसा, हाँ अगर ऐसा बहुत सारा स्ट्रिप जोड़ देंगे तो क्या ये पूरा एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, यानी कि हाँ एरिया लिखेंगे तो इंटीग्रेशन x dy। अब बताओ लिमिट किसका लगेगा, लिमिट किसका लगेगा, y का, यानी y1 से लेके y2। तो अगर इक्वेशन y का फंक्शन होगा तो एरिया ये वाला लेंगे, वर्टिकल वाला, राइट, एस ये वाला एरिया लेंगे, ठीक है, अगर x का होगा तो ये वाला लेंगे, ठीक। चलो कितना में कोई डाउट, मान लो क्वेश्चन आया, राइट, क्वेश्चन इंटीग्रेशन कहीं ऐसा, जब हम लोग बहुत सारा जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कर रहेंगे तो उसमें आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा जीरो से पाई, जीरो से पाई बाई टू, राइट, तो क्या इसको तो हम लोग जानते हैं सॉल्व करने का तरीका, कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा जीरो से पाई बाई टू, तो एक बार क्या रखेंगे, माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस माइनस कॉस जीरो, यही होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज जीरो प्लस वन, यानी वन आ गया। तो क्या हम इतना प्रोसेस को सॉल्व करने जाएंगे, नहीं, हम क्या करेंगे, जब भी कुछ हम लोग को ग्राफ यूज करेंगे, राइट, जब भी इंटीग्रेशन आए फिजिक्स में, जब भी मतलब अगर टाइम कम रहे, राइट, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम कम रहे, तो हम लोग को ग्राफ सबको याद होता है ऑलमोस्ट, साइन कॉस या जनरल ग्राफ इक्वेशन, हम लोग जनरली ग्राफ जल्दी बना लेते हैं, ठीक है, एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ बना लेते हैं, राइट। तो देखो साइन का ग्राफ कितना होगा, साइन का ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, राइट, ऐसे ही होता है ना, ये जीरो, ये पाई बाई टू, ये पाई, ये थ्री पाई बाई टू, ये टू पाई, राइट, ऐसा ही ग्राफ होता है। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, जीरो से पाई बाई टू में साइन थीटा डी थीटा पूछ रहा है, तब इसका मतलब समझो ये एक्चुअल में क्या है, ये बोल रहा है कि साइन थीटा डी थीटा, राइट, यानी यहाँ पर y क्या है, साइन थीटा और डी थीटा, मतलब एरिया पूछ रहा है, एरिया अंडर कर्व कहाँ से कहाँ तक के लिए, जीरो से पाई बाई टू के लिए, यानी जीरो से पाई बाई टू के लिए यह एरिया पूछ रहा है, ठीक है, और यह एरिया देखो, यह एरिया वन होता है, ध्यान रहे साइन थीटा, नोट हम लिखवाते हैं, नोट, साइन थीटा या कॉस थीटा, ठीक, इन दोनों के लिए हर 90 डिग्री का एरिया, हाँ, एरिया वन होता है, राइट। अब देखो ये कंसेप्ट भी हम बोलेंगे, ये देखो ये हम कब लिखवाएं, जब यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा कोफिशियंट वन था तब,
राइट कोफिशियंट 1/3 होता, ठीक है। अगर कोफिशियंट 1 नहीं होता तो क्या होता? हाँ, अगर हम जैसे क्वेश्चन पूछ देते हैं यहाँ पे y इक्वल टू 2 साइन थीटा, राइट, इंटीग्रेशन निकालो 0 से पाई बाई 2 y d थीटा, राइट, तो इसका एरिया कितना हो जाता? देखो नहीं, इसका एरिया 2 हो जाएगा, राइट, इसका एरिया 2 हो जाएगा। देखो समझते हैं, ठीक, यहाँ पर देखो कोफिशियंट 1 है, राइट, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 ही होता है ना, ठीक। तो इसका, हाँ, इसका मैक्सिमम यानी जो कोफिशियंट होगा, राइट, एक्चुअल में जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 sin थीटा यानी y इक्वल टू 2 sin थीटा, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया। अब एक न रह के अब क्या हो गया? 2 हो गया। यानी कि अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, राइट, तो ये अब कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड अब 2 हो जाएगा, राइट, और ये माइनस 2, यह माइनस 2। अब देखो, अब जो यहाँ से 0 से पाई बाई 2 के में हम जो एरिया निकालेंगे, राइट, वो हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स। अगर मैग्नीट्यूड a रहता तो a इंटू 1 0 से पाई बाई 2 में, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर कोफिशियंट जितना है यानी मल्टीप्लाई हो जाता है, यही अगर, हाँ, यानी कि जितना मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सिमिलरली अगर ये क्वेश्चन हो जाता y इक्वल टू साइन 2 थीटा होता, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे, राइट, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखो अलजेब्रिक एरिया समझो, अलजेब्रिक एरिया, राइट, अलजेब्रिक एरिया, देखो अब अलजेब्रिक एरिया समझो, जैसे कि हम ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू ही समझो, साइन थीटा पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2, राइट, देखो पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 डी थीटा, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, कॉस थीटा, फिर लिमिट रखेंगे। उससे अच्छा है कि ग्राफ हमको अगर पता है तो चलो ग्राफ बना लो फटाफट, ठीक, यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2 और यहाँ हो जाएगा 3 पाई बाई 2। हम क्या बताए थे, साइन थीटा कॉस थीटा में हर 90 डिग्री का एरिया कितना होता है? 1, यानी मैग्नीट्यूड 1 होता है, राइट, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, लेकिन जो एक्सिस के अबव होगा ये पॉजिटिव एरिया होगा, जो एक्सिस के बिलो होगा वो नेगेटिव एरिया। तो ये जो इंटीग्रेशन हुआ ये अलजेब्रिक एरिया को बताता है, मतलब इन दोनों का सम टोटल एरिया को बताता है, ठीक है, टोटल अलजेब्रिक एरिया, एरिया, और ये एरिया कितना हो जाएगा? प्लस 1 माइनस 1 0। अब चेक भी कर सकते हो, अब चेक भी कर सकते हो कि आता है कि नहीं। चलो sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2, राइट, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 2। कॉस 3 पाई बाई 2 कितना होता है? कॉस का ग्राफ 0, कॉस थीटा का ही ग्राफ होता है ना, ये हो जाएगा पाई बाई 2 और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, कितना वैल्यू आ गया? 0, मतलब ये भी 0 और ये भी 0, तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 0 हो गया, राइट। तो देखो ये इंटीग्रेशन है जो ग्राफ में यूज होता है, ठीक है। और देखो, और इसका ये तो मैथ की बात हो गया कि जहाँ इक्वेशन में आ जाएगा वहां पे सॉल्व करेंगे, और फिजिक्स में कैसे सॉल्व करेंगे? काइनेमेटिक्स 9th-10th में हम लोग पढ़े होंगे मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट, ठीक है। ये चीज हो गया, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग 10th-9th में पढ़े होंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट, कितना इक्वेशन ऑफ मोशन होता है? देखो इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो मोशन को हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं, एक यूनिफॉर्म, एक
हाँ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, थोड़ा सा हम बताते हैं जो कि 9th 10th का ही है। यूनिफॉर्म देखो, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जो एक्सेलेशन होता है, एक्सेलेशन ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, समझो समझो। एक्सेलेशन क्या बताता है, कुछ नहीं, एक्सेलेशन क्या बताता है, एक्सेलेशन मान लो कोई गाड़ी है अभी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, फिर 1 सेकेंड बाद 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, राइट, फिर 1 सेकेंड बाद 30 मीटर पर सेकेंड हो गया, राइट, 1 सेकेंड बाद। इसका मतलब ये जो गाड़ी है इसका स्पीड क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीजिंग, स्पीड जो है इंक्रीजिंग है। और तुम लोग एक प्रैक्टिकल बताओ, स्पीड कब गाड़ी का लगातार बढ़ता है, जब हम लोग एक्सेलेटर लेते हैं, राइट, यानी कि एक्सेलेशन जो होता है वो दो बातें बताता है, राइट, ये बताता है कि स्पीड डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, यानी कि स्पीड के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में बताता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में बताता है। राइट, ठीक है, कि इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। अब देखो कब इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, ये चीज देखते हैं, ठीक है। तो पहले एक्सेलेशन निकालना सीखते हैं। तो एक्सेलेशन जो होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, राइट, यानी एक्चुअल में इसको लिखा जाए तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये लिखेंगे ना। तो देखो अगर यहां से यहां तक एक्सेलेशन लिखो 10 से 20 के लिए, तो वी फाइनल कितना है, 20 माइनस 10 अपॉन टाइम कितना लगा, 1 एंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, यहाँ पर आ गया फर्स्ट, यानी यहाँ पर एक्सीलेशन हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पर भी निकालो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या देख रहे हैं, यहाँ भी एक्सीलेशन सेम है 10 ही है और यहाँ भी एक्सीलेशन सेम है। तो जब देखो, हाँ, जब एक्सीलेशन कॉन्स्टेंट हो जाता है इसका मतलब स्पीड लगातार इंक्रीजिंग रहता है, ठीक है, और इस तरह को मोशन को बोलते हैं कॉन्स्टेंट एक्सीलेटेड मोशन या यूनिफॉर्म मोशन, राइट, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलेरेटेड मोशन, ठीक है। और जब कांस्टेंट एक्सेलेरेटेड मोशन होगा यानी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा, तब हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, सेकंड s इक्वल टू u प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट, और थर्ड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। ये तीन इक्वेशन, ठीक है, ये तीन इक्वेशन कब यूज होगा, ये यूज कब होगा, यूज व्हेन a इज कांस्टेंट, ध्यान रखना a क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तभी इस इक्वेशन को लगाएंगे, अदरवाइज इस इक्वेशन को नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब इस इक्वेशन को नहीं लगाएंगे तो कुछ तो दूसरा तरीका होगा, राइट, लगाने का, चलो तो देखते हैं वो दूसरा तरीका क्या है। ये हो गया, जैसे देखो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, राइट, एक एग्जांपल लेते हैं, अभी यहाँ पे रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड बाद देखे तो 20 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड बाद देखे तो 40 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड बाद देंगे तो 80 मीटर पर सेकेंड, राइट, हर 1 सेकेंड के इंटरवल पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक। अब बताओ इस केस में एक्सीलेशन कैसा है, चलो यहां से यहां तक के लिए एक्सीलेशन निकालो, ए निकालो, 20 माइनस 10 बटा 1 10 हो गया, यहां से यहां तक के निकालो 40 माइनस 20 बटा 1 20 हो गया, यहां से देखो 80 माइनस 40 बटा 1 40 हो गया, यानी देखो यहां पर एक्सीलेशन कांस्टेंट नहीं है, यानी इस इक्वेशन में ए इज नॉट कांस्टेंट, राइट। जब ऐसा, हाँ, जब एक्सीलेशन कांस्टेंट होगा देन इक्वेशन ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, राइट, समझ में आ रहा है ना। अब चलो, तुम लोग थोड़ा सा पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, राइट, पढ़ा होगा ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया तुम लोग का होगा कि स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, बेसिक आइडिया होगा,
नो आइडिया, एनीवन? स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, मतलब सिर्फ आइडिया पूछ रहे हैं, बताएंगे नहीं अभी। डायरेक्शन, राइट। तो देखो हम लोग ए इक्वल टू, चलो थोड़ा बहुत आइडिया है सब, बस हमको सिर्फ इतना ही से मतलब था डायरेक्शन से, राइट। एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, तो हम लोग जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किए थे, पहला वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। सेकेंड एस इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर, और थर्ड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट दो इक्वेशन है इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में यूज करते हैं, वेक्टर फॉर्म। इसका मतलब देखो, वेक्टर फॉर्म यानी एक होता है स्पीड, समझो एक होता है स्पीड और एक होता है वेलोसिटी, पढ़ा होगा ना नाइन्थ में, राइट। तो देखो इन दो इक्वेशन में ये जो लिखा हुआ भी, एक्चुअल में ये वेलोसिटी है, यू भी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, और एस जो है, एस यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, राइट। और यहाँ पे जो एस है ये डिस्टेंस है, और सिर्फ यही इक्वेशन है जो स्केलर फॉर्म यूज होता है, स्केलर फॉर्म, राइट। यानी कि हम लोग यहाँ पे स्पीड ले लेते हैं, ठीक है, इतना बेसिक आइडिया ये जान लो, ठीक है। टेंथ में हम लोग डायरेक्ट आंख मूंद के नाइन टेंथ में ये फॉर्मूला लिख देते थे, आंसर बना देते थे, यही करते थे ना, बट अब इसे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो चलो, मेरा कंसर्न अभी कॉन्स्टेंट पे नहीं है, कॉन्स्टेंट को हम लोग अच्छे से डील करेंगे, थोड़ा सा हम इसके बारे में बताते हैं कि जब कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो हम लोग क्या करते हैं, राइट। आगे चले, ठीक। अब देखो हम लोग का कंसर्न था थोड़ा, जब ए इक्वल टू नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक, तो उस समय हम लोग क्या यूज करेंगे, राइट। देखो ए कॉन्स्टेंट नहीं है, ए को हम लोग लिखते हैं ए बराबर एक्सीलरेशन बराबर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये लिखते हैं ना, राइट, ये लिखते हैं, या इसको हम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिखते हैं। अब देखो जब एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा, समझो बात को, ठीक है, अभी एकदम कॉमन लैंग्वेज में समझा रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पहुंचे तो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, राइट, फिर यहाँ पहुंचे तो 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी देखो कुछ एक्सीलरेशन अगर हर पॉइंट पे देखा जाए, मतलब छोटा छोटा डिस्टेंस में बांटा जाए, छोटा छोटा इंटरवल में बांटा जाए, तो क्या बोल सकते हैं कि एक्सीलरेशन हर जगह कॉन्स्टेंट वेरिएबल होगा, हर जगह वेरिएबल है ना। हम लोग किसी पार्टिकुलर टाइम, मान लो इस इंस्टेंट पे पूछे तो हम क्या बता सकते हैं, नहीं बता सकते, क्योंकि एक्सीलरेशन पता नहीं चल रहा कि कैसा है, राइट, नहीं ना पता चल रहा है, बात को समझो, ठीक है। हम एक सेकंड के लिए पूछेंगे तो तुम लोग बता देगा, लेकिन अगर हम बीच के बारे में पूछेंगे कि इस बीच में बताओ, एक सेकंड से कम एक्सीलरेशन बताओ क्या होगा, तो क्या बोल सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखो गाड़ी चलाते वक्त हम लोग कभी क्या करते हैं, बाइक चलाता होगा सब लोग, एक्सीलेटर कभी कम करते हैं, कभी धीरे करते हैं, राइट, क्या करते हैं, एकदम कॉन्स्टेंट रखते हैं कि वेरिएबल रखते हैं, वेरिएबल रखते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम एकदम इंस्टेंट की बात करते हैं, जैसे कि हम पूछे गाड़ी पे, हम मान लो तुम चला रहे हो, हम पीछे बैठे हुए, तुमसे पूछे कि तुम कितना का एक्सीलेशन में जा रहे हो, तो उस समय जितना एक्सीलेटर लिए होगे वो जो एक्सीलेशन बताओगे वो तुम्हारा उस इंस्टेंट का एक्सीलेशन होगा, और उस एक्सीलेशन को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलेशन, क्या बोलेंगे, जैसे पूछे और तुम बता दिए तो वो कौन सा एक्सीलेशन होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलेशन। यानी कि हम पूछने और तुम्हारे बताने के बीच का इंटरवल, टाइम इंटरवल क्या बहुत छोटा था कि हम पूछे तुम रिप्लाई किए, राइट, यानी ये डेल्टा टी बहुत जीरो था, मतलब एकदम मिनिमम समय था, राइट। तो जब ऐसा कंडीशन हो जाएगा कि हम कोई तुमसे पूछा और तुम बताया, मतलब इंस्टेंट की बात हो, किसकी बात हो, इंस्टेंट की बात हो, तो उस समय जो एक्सीलरेशन होगा इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब देखो ये जो हम लोग का इंटरवल है, टाइम इंटरवल, ये टेंड कर रहा है, तो जब भी किस जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो जब भी कि कोई चीज जीरो की तरफ टेंड करेगा तो उसको डायरेक्ट जीरो नहीं रखेंगे, लिमिट लगा के जीरो रख देंगे, यानी कि इसमें लिमिट लगा देंगे कि मेरा जो
गैप है समय का, वो बहुत क्या हो गया, छोटा हो गया, राइट। गैप क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। देखो डेल्टा टी क्या आ गया, किस पे लिमिट लगा, समय पे, कि हम तुमसे पूछे और तुम फटाक से जवाब दे दिए, तो लिमिट क्या हो गया, समय क्या हो गया, लिमिट लग गया। और ये तुम लोग को बताए थे ये क्या हो जाएगा, डीवी बाई डीटी। तो ये जो एक्सीलेशन आया इंस्टेंटेनियस एक्सीलेशन आ गया, यानी ए इंस्टेंटेनियस क्या हो गया, डीवी बाई डीटी, राइट। तो ये कौन सा एक्सीलेशन देता है, यह उस इंस्टेंट का एक्सीलेशन देता है जिस इंस्टेंट पे पूछा जाए, राइट। इंस्टेंटेनियस एक्सीलेशन, राइट। अब देखो यहां से दो बातें देखो, अब चलो थोड़ा देर समझो कि अगर दो चीज, राइट, अगर भी फंक्शन होगा टाइम का, क्योंकि देखो भी वेलोसिटी जो है समय के हिसाब से बदल रहा है कि नहीं, चेंज हो रहा है हर समय पे, इसका मतलब वेलोसिटी किसका फंक्शन होगा, समय का, राइट। तो एक्सीलेशन आ जाएगा डीवी बाई डीटी, राइट। अगर मान लो एक्सीलेशन ही फंक्शन हो जाए समय का और तुमसे पूछा जाए, देखो क्या हर जगह एक्सीलेशन भी बदल रहा है, हर इंस्टेंट पे एक्सीलेशन भी चेंज हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर एक्सीलेशन भी इटसेल्फ ए फंक्शन ऑफ टाइम है कि नहीं। इसका मतलब देखो इस डीटी को इधर भेज दो, तो यहाँ से डीवी बराबर आ गया ए डीटी आ गया, और इधर इंटीग्रेशन लगा देंगे तो ये क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, यानी कि भी बराबर इंटीग्रेशन ए डी टी। अब ये बताओ ये क्या बता रहा है, ए डी टी क्या बता रहा है, एरिया अंडर किसका कर्व, एक्सीलेशन और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया क्या देता है, वेलोसिटी देता है, राइट। ये चीज समझ में आ गया ना, ठीक। चलो एक क्वेश्चन फटाफट कर लो, क्वेश्चन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए था, ठीक है। वेलोसिटी स्पीड, मान लो अभी t इक्वल टू टी नॉट पे, यानी t इनिशियल पे हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, चलो x इक्वल टू एक्स वन पे है, राइट, और t इक्वल टू t फाइनल पे हम लोग x इक्वल टू एक्स टू पे चले हैं, राइट, गाड़ी से चल रहे थे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम पूछेंगे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी दो तरह का होगा, राइट। एक बार हम लोग दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, और दिस इज आवर फाइनल पॉइंट, राइट, पॉइंट, राइट। अब देखो हम इस गाड़ी पे बैठे हुए हैं, ठीक है, हम लोग दो दोस्त बैठे हुए, समझो समझना, ठीक है, हम क्या बताना चाह रहे हैं उस चीज को समझना, राइट, ठीक है। अब देखो ऐसा एक कंडीशन हो सकता है कि जब मान लो हम यहाँ से चल के यहाँ पहुंच गए और तब हम ड्राइवर से पूछे कि क्या रफ्तार से लाए थे तुम, तो वो उस समय ड्राइवर क्या बताएगा, कैलकुलेट करेगा कि डायरेक्टली बोल देगा कि हम लोग अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चले थे, ऐसे ही बता देगा। तो ये एक्चुअल में क्या कैलकुलेशन किया, एवरेज कैलकुलेशन कर दिया होगा, और यह जो एवरेज जो बताया यहां से यहां तक के लिए बताया, मतलब इंटरवल के लिए बताया, इंटरवल के लिए, राइट, समझ में आ रहा है ना। या अगर हम लोग पूछ कर पूछे ड्राइवर से कि तुम लोग क्या रफ्तार से लाए, तो ड्राइवर बोल देगा कि हम लोग लगभग 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चले होंगे, तो एक्चुअल में क्या बता दिया, एवरेज बता दिया, और वो इंटरवल के लिए बता दिया कि यहां से यहां। लेकिन मान लो हम बीच रास्ते में ड्राइवर से पूछ दिए कि तुम किस चाल से चल रहे हो, तो ये क्या करेगा, स्पीडोमीटर की तरफ देखेगा, राइट, मान लो स्पीडोमीटर पे जो भी उस समय दिखा रहा होगा स्पीडोमीटर पे, राइट, जो भी दिखा रहा होगा उस इंस्टेंट का स्पीड बता देगा कि नहीं। यानी अगर हम इंस्टेंट पे पूछे तो वो स्पीड कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब चलो एक बात बताओ, इंस्टेंटेनियस स्पीड में इंटरवल कितना रहा पूछने और जवाब देने के बीच, डेल्टा टी बहुत कम रहा, राइट, इसमें एवरेज वाले में क्या इंटरवल रहा डेल्टा टी,
टी फाइनल माइनस टी इनिशियल का इतना ही का इंटरवल रहा होगा कि हम लोग यहाँ से यहाँ चल गए उतर के पूछ दिए, मतलब इतना देर का इंटरवल रहा कि नहीं। ठीक, तो इस वाले को बोलते हैं एवरेज और इस वाले को इंस्टेंटेनियस, राइट। तो पहले देखो स्पीड होता क्या है, स्पीड यानी वी जो होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, राइट। तो अगर हम लोग डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट करेंगे जैसे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो यह जो दे देगा एवरेज स्पीड देगा, क्या देगा, एवरेज स्पीड, राइट। लेकिन अब बोले कि इफ डेल्टा टी टेन टू जीरो हो जाए, मतलब इंटरवल बहुत छोटा कर दिए, इसका मतलब क्या लिमिट लग जाएगा, जब भी टाइम बहुत छोटा होता था तो क्या लगता था लिमिट, लिमिट डेल्टा टी टेन टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और ये क्या कहलाएगा डी एक्स बाई डी, तो ये जो होगा भी इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा भी इंस्टेंटेनियस, राइट। और यहां से दो बातें लिख सकते हैं, देखो एक बार जब x इज द फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो यहां से v बराबर हो जाएगा dx by dt, होगा कि नहीं, और अगर v इज द फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा तो यहां से x बराबर हो जाएगा v dt, और ये क्या दे देगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर, यानी ये एक्चुअल में क्या देगा डिस्प्लेसमेंट, राइट। समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे लिखें। देखो अगर भी एक बार भी सॉरी यहां गलत लिखिए टाइम का, एक्स अगर टाइम का फंक्शन हो जाए, देखो अगर डिस्टेंस समय के अनुसार डिस्टेंस क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, यानी एक्स अगर टाइम का फंक्शन है तो भी स्पीड जो होगा डी एक्स बाई डी टी निकाल देंगे, राइट। अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो जाए तो यहां से एक्स निकल जाएगा भी डी टी, ठीक है, दो चीज यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकल जाएगा, राइट। पहले क्वेश्चन करते हैं उसके बाद देखते हैं। हो गया, एक क्वेश्चन करेंगे, इसी पूरे एक क्वेश्चन में समझेंगे हम लोग जितना भी पढ़े। आगे चलें, देखो एक क्वेश्चन करते हैं, राइट। मान लो x इक्वल टू दे रखा है टू टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस टू, राइट, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड फाइंड देखो दो चीज फाइंड स्पीड ड्यूरिंग t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड फाइंड स्पीड एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, राइट। देखो एक ही क्वेश्चन है, x क्या है, दिस इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, राइट। ये क्या दे रहा है x पोजीशन ऑफ द पार्टिकल यानी देखो पार्टिकल जो है पार्टिकल का जो पोजीशन है टाइम के साथ वेरी कर रहा है, यानी अगर हम लोग t इक्वल टू जीरो पे बात करें तो कहाँ होगा, देखो x एक्सिस बना लो, t इक्वल टू जीरो पे कहाँ होगा, t इक्वल टू जीरो पार्टिकल x इक्वल टू टू पे होगा, t इक्वल टू वन पे कहाँ होगा, पुट कर दो इसमें, वन पे पुट करेंगे तो ये कहाँ आया जीरो आ गया, चलो थोड़ा सा भी जीरो ये वाला मान नहीं लो, तुम लोग थोड़ा सा चेंज कर दो, राइट, यहाँ पे एट लिख दो, ठीक है। चलो टी इक्वल टू वन पे क्या हो जाएगा सिक्स, टी इक्वल टू टू पे क्या हो जाएगा, टू पुट करेंगे तो देखो एट इंटू टू स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस फोर इंटू टू प्लस टू यानी
32 माइनस 8 प्लस 2 कितना हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 26, ये हो जाएगा 34 माइनस 8 26, यानी ये हो जाएगा 26, x इक्वल टू 26। इसका मतलब देखो जो पार्टिकल का पोजीशन है वो एकदम कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ रहा है, वो एब्रप्टली बढ़ रहा होगा। इसका मतलब लगातार स्पीड जो होगा क्या कांस्टेंट होगा, पहले ये बात बताओ। पहला एक सेकंड में 2 से 6 पे पहुंचा, फिर एक सेकंड में 6 से 26 पे पहुंच गया, इसका मतलब क्या स्पीड जो था वेरिएबल हो गया, ठीक है राइट। तो अब एक फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द स्पीड ड्यूरिंग t इक्वल टू 1 सेकंड टू 4 सेकंड, यानी 1 सेकंड से 4 सेकंड के बीच स्पीड क्या होगा, और एक बार पूछ रहा है कि उस समय स्पीड क्या होगा। एड मतलब कि एड देखो ये लिखा हुआ, मतलब ड्राइवर से पूछ दिया कि तुम स्पीडोमीटर में देख के बताओ कि क्या स्पीड है, मतलब जब टेंट पे ये पूछ रहा है ये कौन सा स्पीड हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड राइट, और ये कौन सा स्पीड हो जाएगा, एवरेज स्पीड। अब देखो कंफ्यूज नहीं करना, एवरेज स्पीड निकालने का हम तरीका बताएं, वी एवरेज x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, और वी इंस्टेंटेनियस निकालने का तरीका है dx बाई dt राइट। तो पहले क्या निकालें, एवरेज निकालो फर्स्ट एवरेज। तो देखो x फाइनल यानी फाइनल टाइम कितना है, 4 सेकंड, t फाइनल मेरा यही है और t इनिशियल यही है, यानी कि t इक्वल टू 4 सेकंड पे एट t इक्वल टू 4 सेकंड पे x फाइनल क्या होगा, तो t इक्वल टू 4 सेकंड पुट कर दो, 4 स्क्वायर माइनस 4 इनटू 4 प्लस 2 कितना आ गया, देख लो कितना आ गया फटाफट। अब एट t इक्वल टू कितना, 1 सेकंड पे, 1 सेकंड पे देख लो, तो x इनिशियल कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 प्लस 2 6 हो गया, यानी कि देखो मेरा x फाइनल भी पता चल गया, x इनिशियल भी पता चल गया, तो v एवरेज क्या हो जाएगा, v एवरेज x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, यानी 114 माइनस कितना था 6, 6 बाई 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 114 माइनस 6 कितना आया, 108 by 3, यानी 36, क्या था जो भी है यूनिट जो भी है मीटर पर सेकंड, अगर मान लो सेकंड की बात करते तो मीटर पर सेकंड, इसका मतलब एवरेज स्पीड क्या आ गया, 36 मीटर पर सेकंड राइट। यानी कि ये कौन सा है बताया होगा ड्राइवर, फाइनली स्टेशन पर मतलब फाइनल पोजीशन पर पहुंच जाने के बाद बताया होगा कि ये एवरेज स्पीड रहा, ठीक है कि इतना हम लोग अप्रोक्सीमेटली इतना चाल से चले हैं राइट। अब देखो सेकंड राइट, एट टी इक्वल टू 1 सेकंड पे स्पीड पूछ रहा था, ठीक है स्पीड, तो ये देखो यह जो स्पीड हो जाएगा यह क्षण उसी इंस्टेंट पे पूछ रहा है, यानी भी इंस्टेंटेनियस हो जाएगा राइट। तो भी इंस्टेंटेनियस के लिए हम तरीका बताए थे dx by dt, तो चलो ये निकाल लो, और ये क्या दे देगा, भी इंस्टेंटेनियस दे देगा, ठीक है देखो ये कितना हो जाएगा, 80 स्क्वायर का 16t माइनस 4, यानी भी इंस्टेंटेनियस क्या आ गया, 16t माइनस 4 राइट, है कि नहीं, ठीक है। तो देखो एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड भी इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, तो पुट कर दो 16 × 1 − 4 कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकंड, यानी यह जो स्पीड होगा उस क्षण का स्पीड होगा राइट, 12 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन का हम लोग देखें कि इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफरेंशिएशन भी यूज होगा, ठीक। अगर यही मान लो स्पीड देता, जैसे कि लेट से स्पीड ये दे रखा है, ठीक है, और तुमसे पूछ देता कि बता दो डिस्प्लेसमेंट 0 से 2 सेकंड में कितना का डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो सिंपली जो x होगा वो इंटीग्रेशन vdt 0 से 2 सिंपली ऐसे सॉल्व कर देते, ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन राइट।
तो जहां जो जरूरत होगा वहां हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, ठीक है। ठीक, अब देखो, हाँ, अब हम लोग जो पढ़ेंगे जब हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे तब उसमें हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, राइट। थोड़ा बहुत और चीज आ गया कि थोड़ा बहुत जैसे होता है क्वाड्रेटिक का और बाइनोमियल का, थोड़ा बहुत कैसे अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, ठीक, क्यों लेते हैं, राइट, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये बाइनोमियल्स का कि जब भी, क्योंकि ग्रेविटेशन जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, 9th में पढ़े होगा ग्रेविटेशन, राइट, तो बहुत स्मॉल, हाँ, उसी का मतलब हाई, 11th में उसी का हाई वर्जन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कब हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, राइट, यानी निग्लेक्शन कब किया जाता है, वो चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को डाउट?